हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर कैप गाउन, जिसके लिए यहाँ पे मैंने नेट का फैब्रिक लिया हुआ है जो 2.5 मीटर, उसके साथ मैंने बेस का फैब्रिक लिया है जो है 2 मीटर्स, और यहाँ पे नेट का पार्ट मैंने लिया है कैप बनाने के लिए वो है 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गो स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले बेस फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है, तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 6 इंचेस। आर्म होल भी मिलूंगी यहाँ पे 6 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन टो कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 9 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करना है और उसमें 1 इंच ऐड करना है सीम अलाउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में लूंगी 13 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए, राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है, तो इस तरह से ये हमने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूंगी यहाँ पे 3.5 इंचेस और लेंथ में लूंगी यहाँ पे 2.5 इंचेस। राउंड शेप ड्रॉ करेंगे हम। तो देखिए, इस तरह से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। तो ये है हमारा टॉप का पार्ट। हमारे पास इस तरह के 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, नेट के फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड किया हुआ है, जिसके ऊपर जो हमने टॉप का पार्ट कट किया उसे हमें प्लेस करना है। उसके बाद हम इसे एज इट इज कट कर लेंगे, तो जैसे मैंने रखा है वैसे ही हमें इसे कट कर लेना है इसी शेप और साइज में। तो यहां से हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह के नेट के फैब्रिक के 2 पीस है। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को फिर से हमने 4 फोल्ड किया हुआ है, और जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे हमें यहाँ पे प्लेस करना है। उसके बाद ये जो हमारी चौड़ाई है उसे हमें मार्क कर लेना है। अब यहाँ से लेंथ मैं लूँगी 32 इंचेस, 32 पे हमें मार्क कर लेना है। तो ये होगी हमारे बॉटम पार्ट की लेंथ बेस फैब्रिक के लिए। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और ये जो हमने पॉइंट मार्क किया था यहाँ से हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है हमारी लेंथ तक, इस तरह से। और यहाँ पे हल्का सा हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। ये देखिए, यह है हमारा बॉटम का पार्ट। तो हमारे पास इस तरह के 2 पीस होंगे बॉटम पार्ट के लिए। यहाँ से हमें कट लगा के इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो हमारे पास इस तरह के 2 पीस है। अब देखिए, नेट के फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड में लिया हुआ है। अब वापस हम इसे 4 फोल्ड करेंगे, तो हमें इसे ट्रायंगल में इस तरह से 4 फोल्ड करना है।
तो ये हो गया हमारा फोर फोल्ड। तो ये हमारा टॉप का पार्ट जिसे हम यहाँ पे प्लेस करेंगे जहाँ पे हमारी ब्रॉडनेस मैच हो, और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें लेंथ मार्क करनी है, तो यहाँ से लेंथ में लूँगी 34 इंचेस। तो 34 पे हमें एक मार्कर लेना है, ये होगी हमारे बॉटम के पार्ट की लेंथ। और यहाँ से हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है और इस लाइन को हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट। तो हमारे पास इस तरह के दो पीस होंगे फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए नेट के फैब्रिक को हमने से फोर फोल्ड किया हुआ है, हम कैप की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से नेक की चौड़ाई में लूँगी 2.5 इंचेस और लेंथ भी मैं लूँगी 2.5 इंचेस। और यहाँ पे हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें लेंथ मार्क करनी है, तो फ्रंट की लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 18 इंचेस। इस तरफ की लेंथ में लूंगी 16 इंचेस और सेंटर में मैं रखूंगी 17 इंचेस। और यहाँ पे भी हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है, हमें इसे कट करना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है, अब हमें इसे ओपन करना है। तो ये होगी हमारी कैप। अब फ्रंट साइड से हम इसे ओपन रखने वाले हैं, तो इसे वापस हम इस तरह से टू फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें मार्क कर लेना है और यहाँ से हम इसे टू फोल्ड करेंगे। और यहाँ से कट लगा के हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो ये कैप हमारी फ्रंट से ओपन रहेगी। देखिए इस तरह से हमने उन्हें कट कर लिया है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा नेट का पार्ट है जिसे मैंने राइट साइड पर रखा हुआ है, इसके ऊपर हमें बेस का फैब्रिक उल्टा रखना है। और यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद ये जो हमारी नेक लाइन और आर्म होल में सिलाई कर लेंगे हम। इसी तरह से ये जो हमारा दूसरा पार्ट है इसके ऊपर भी हमें बेस के फैब्रिक को उल्टा रखना है। और यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ये जो हमारा नेक पार्ट, आर्म होल और दूसरे आर्म होल में हम सिलाई करेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है, अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद यहाँ से हम इसे टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको इसे राइट साइड पे टर्न कर लेना है। तो इस तरह से हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है, इसी तरह से हमें इस पार्ट को भी नॉचेस लगा के टर्न करना है।
तो इस तरह से हमने दोनों को टर्न कर लिया है। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है। और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो दोनों तरफ सिलाई लगा के आपको शोल्डर फिटिंग कर लेना है। ये शोल्डर फिटिंग हमारी हो चुकी है। अभी हमारा बॉटम का पार्ट है जिसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है, इसके ऊपर हमें नेट का पार्ट रखना है। और यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। और यहाँ पे हमें दोनों को मिला के सिलाई कर लेना है। इसी तरह से हमें बैक का बॉटम भी तैयार करना है। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। और ये है हमारा टॉप का पार्ट। तो इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है इस तरह से। और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। इसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है वो हमें बैक के बॉटम के ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। तो ये टॉप और बॉटम हमारा जॉइन हो जाएगा। ये देखिए टॉप और बॉटम को मैंने इस तरह से जॉइन कर लिया है। इसी तरह से मैंने बैक साइड को भी जॉइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो ये हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद यहाँ पे हमें 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमें 1 इंच के डिफरेंस पे लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पे हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ तक हमें सिलाई करनी है, उसके बाद की फिटिंग जो है वो हम सेपरेटली करेंगे। तो जो हमारा नेट का फैब्रिक है उसे हमें नेट के फैब्रिक से के साथ अच्छे से मिलाना है दोनों पार्ट्स को, और नीचे तक सिलाई कर लेना है। उसके बाद हम इसे अंदर कर लेंगे। और जो हमारा बेस का फैब्रिक है उन दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद नीचे तक हमें सिलाई कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी फिटिंग हो जाएगी। इसी तरह से हमें इस पार्ट में भी फिटिंग करनी है, नेट के फैब्रिक को नेट के फैब्रिक के साथ, और जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे बेस के फैब्रिक के साथ। ये हमने फिटिंग कर ली है। अब हमें नीचे की बॉर्डर तैयार करनी है। तो इसे सिंपली बैक साइड पे हमें डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है पूरी लेंथ में। और ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे भी हमें बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है पूरी लेंथ में। तो ये देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारा गाउन बिल्कुल तैयार है। अब हम कैप को तैयार करेंगे। सबसे पहले हमारे जो ये फ्रंट का पार्ट है उसमें शेप कट करना है। तो यहाँ से हल्का सा हम इस तरह से क्रॉस में स्ट्रेट कट कर लेंगे। ये सिर्फ हम फ्रंट साइड में ही करेंगे। तो इस तरह का हमने फ्रंट में शेप कट कर लिया है। उसके बाद हमें सबसे पहले इसकी बॉर्डर तैयार करनी है। तो यहाँ से ये जो पूरी हमारी बॉर्डर है उसे हमें फोल्ड करना है। तो सिंपली इसे बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है, या फिर आप इसे सिंगल फोल्ड भी कर सकते हैं नेट का फैब्रिक है तो। तो पूरी लेंथ में हम इसे सिंगल फोल्ड या डबल फोल्ड आप कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसे पीको भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हमें कॉलर अटैच करना है। तो इसकी लेंथ हमें मार्क करनी है। तो यहाँ से हम लेंथ मेजर करेंगे। तो इस तरह से हमें लेंथ को मेजर करना है। एक एंड से दूसरे एंड तक हमें इसकी लेंथ मेजर करनी है। तो देखिए इसकी लेंथ है 19 इंचेस। 1 इंच हमें ऐड करना है। तो 20 इंचेस की हम स्ट्रिप कट करेंगे। तो इस तरह की स्ट्रिप हमने कट की है जिसे हमें रॉन्ग साइड पे फोल्ड करके सिलाई कर लेना है दोनों तरफ।
ये देखिए हमने दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है। अब हम इसे राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने राइट साइड पर टर्न कर लिया है। अब जो हमारी कैप है उसके साथ हमें इसे अटैच करना है। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमें ये जो हमारी स्ट्रिप हमने तैयार की थी उसे यहाँ से हम हल्का सा ओपन कर लेंगे और एक तरफ से हमें कॉलर को लगाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से मिलाते जाएंगे और एक तरफ से हमें कॉलर को यहाँ पे फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब जो हमारा दूसरा एंड है उसे हमें बैक साइड पे इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे आपको फोल्ड करते जाना है और सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा कॉलर इस तरह से अटैच हो जाएगा और ये हो गई हमारी राइट साइड। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने कॉलर को अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें लेस को लगाना है। तो यहाँ पे हल्का सा लेस को फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ हमें कवर सिलाई लगा के इसे यहाँ पे फिक्स कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कॉलर को फिक्स कर लिया है और लेस भी मैंने लगा दी है। तो ये हमारी कैप बिल्कुल तैयार है। अब फ्रंट साइड में आपको इसे स्ट्रिंग लगा के टाई कर लेना है। तो इसी के साथ ही हमारी डिज़ाइनर कैप बिल्कुल तैयार है और यहाँ पे मैंने इस तरह से स्ट्रिंग लगा के इसे टाई कर लिया है। फाइनली तैयार है हमारे डिज़ाइनर कैप गाउन और यही इसका फाइनल लुक। गाइस अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।